सो फाइनली हमारी दार्जिलिंग जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। हमने दार्जिलिंग जाने के लिए सिलीगुड़ी से कैब की एंड जिसका प्राइस हमें 250 रुपीज़ पड़ा। आपको दार्जिलिंग जाने के लिए सिलीगुड़ी से बहुत सारी कैब मिल जाएंगी जो कि चार्ज करती हैं 250 रुपीज़। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाने का जो रास्ता है वो 63 किलोमीटर का पड़ता है एंड इसको कवर करने के लिए आपको कम से कम 3 आवर्स लग जाएंगे। बट सीरियसली आपको रास्ते में बहुत खूबसूरत पॉइंट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको ना बहुत सारे ब्यूटीफुल हाउस एंड यहाँ पे आपको टी गार्डन्स देखने को मिलेंगे। एंड सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब आप जाओगे ना दार्जिलिंग तो रास्ते में आपको ना टॉय ट्रेन देखने को मिलेगी। बोलते हैं ना कि मंजिल से ज्यादा ना रास्तों के मजे काफी अलग ही होते हैं एंड ये सच भी है। फिलहाल हम लोग आ गए हैं दार्जिलिंग में सिलीगुड़ी से। तो अभी हम जा रहे हैं रोपवे के लिए एंड रोपवे जाने के लिए यहाँ पे रास्ता है, बस स्टैंड से आपको कैब मिल जाएगी मारुति, वहाँ से आप आराम से रोपवे जा सकते हो। एंड उसका चार्ज होता है ना वो 30 रुपीज़। मतलब हमने ना 2-3 पॉइंट्स घूम देखे हैं यहाँ पे कि हम कौन कौन से पॉइंट घूम सकते हैं। तो हमने पहले बोला कि हिमालय रेंज जाएंगे तो जो कि नियर है हमारे दार्जिलिंग से, हमने स्टे किया ना वहाँ से हार्डली होगा 1 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं है। लेट मी चेक पहले बस स्टैंड कहाँ पे है। तो बस स्टैंड वाले रास्ते में क्राउड बहुत है। यार इसमें क्रिसमस है इसीलिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ। तो पहले हम बस के लिए देख लेते हैं। मैं पूछता हूँ भैया बस स्टैंड कौन सा? बस स्टैंड सामने से मिल जाएगा ना। थैंक यू। सो बेसिकली जो रोपवे का रास्ता है ना, पहले उसके लिए हमें सिंगवाड़ी जाना पड़ेगा एंड सिंगवाड़ी के लिए मैंने आपको बताया यहाँ से आपको मारुति मिल जाएगा। तो यहाँ से मारुति लो, सिंगवाड़ी जाओ एंड वहाँ से रोपवे जा सकते हो। वहाँ से ऊपर ऊपर मिलेगा बाइक रेंट पे, वो जो ऊपर जाता है ना? हाँ हाँ, उसके इधर बगल वाला है। अरे उधर से ही हम लोग आए हैं। अच्छा हमें ना सिंगवाड़ी जाना है, वहाँ के लिए कहाँ से मिलेगा? इधर से यहाँ से कैब मिलेगी क्या? जो वो छोटा बैन होता है ना। हाँ हाँ ओके थैंक यू। इधर से यहाँ से क्रॉस कर लेना आराम से। अच्छा यहाँ पे जो क्राउड दिख रहा है ना वो लोकल का क्राउड मुझे ज़्यादा दिख रहा है, मतलब लोकल के लोग ही हैं यहाँ के, वही ज़्यादा क्राउड है। भैया सिंगवड़ी के लिए है? सिंगवड़ी सिलगुड़ी सिंगवड़ी सिंगमारी। अरे सिंगमारी बोलो ना, वही तो वो जो रोप भी है वही तो। हाँ ये सिंगमारी है। सिंगमारी किसी ने हमें गलत बताया। कौन सा बाजार है? सफेद वाला ना ये। सिंगमारी जा रहा है इधर, सिंगमारी जा रहा है ये वहां से रोपवे वाला। हाँ किन्नर पे है? फर्स्ट रोपवे। हाँ किन्नर पे लगता है? लगे किन्नर भैया। कितने पे सवारी है? 15 रुपये का। किन्नर 15 रुपये। 15 हमें जाना रोपवे। रोपवे बेटे उसमें बैठना। कौन सी वाली आ रही है? तो कैसी कैब में बैठे हैं? सेकंडों में भाई गाड़ियां भर जा रही हैं। हाँ देखते देखते 3-4 गाड़ियां भर गई। सीरियसली बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है। जैसे किसी से पूछते हैं आ जाओ भाई कौन आ रहा है रोपवे के जाना है तब तक हाउसफुल। ओके विदाउट परमिट नहीं है तो परमिट एक्से डायरेक्ट हम वहां पहुंच जाए, वहां से परमिट नहीं ले सकते? हो जाएगा वहां पे जा डायरेक्ट पहुंच के। क्या हुआ चेंज नहीं है क्या? तो बेसिकली हम अभी कैब से आए तो भाई चेंज मिल ही नहीं रहा, गौरव ढूंढे जा रहा है यहाँ से पूछ वहाँ से पूछ, किसी को मिल ही नहीं रहा। भैया आपके पास है नहीं है क्या चेंज? चेंज चेंज कितने का? 200 का चाहिए। सो बेसिकली रोपवे के लिए ये रास्ता गया है। हम सोच रहे थे यहाँ से हम निकलने वाले थे यहाँ से, बट ये रास्ता है रोपवे के लिए। ये रोपवे का रास्ता है ना? रोपवे का रास्ता है। रोपवे बंद क्यों? आज 19 तारीख बंद होते हैं। सीरियसली के एल पी डी हो गया ऐसा क्यों? आज क्या ऐसा? 19 को हाँ आप लोग कई कोई 12 साल आगे रूप में से मर गए थे इसीलिए आज का दिन पूरा बंद। हम लोग भी तो कालीबुंग से है, आप कोलकाता के कालीबुंग। अरे हम रोपवे की वैसे आए थे इतना दूर। हम भी खाली रोपवे के लिए आए। ओके गया सीरियसली। हाँ बाय द वे पॉइंट कैसा है? वहाँ बचे वहाँ दिखते हैं। रोपवे वाला तो हमारा कट गया भाई, रोपवे आज बंद है, पता नहीं क्या है ऐसा इनका तो इसीलिए बंद है। जो आंटी ने बताया था कुछ क्या बताया था पता नहीं, क्या बताया था आंटी ने कुछ बताया था तो उसकी वजह से रोपवे तो बंद है। बट अभी हम दूसरा पॉइंट जा सकते हैं
एंड टाइगर पॉइंट तो नहीं जा सकते, लेकिन अदर पॉइंट हम ट्राई कर सकते घूमने के लिए। बट उससे पहले हमें लगी बहुत तेज भूख, तो हम जा रहे हैं खाने के लिए। यहाँ पे कुछ दुकानें दिख रही हैं हमें, तो यहाँ जा सकते हैं। एंड उससे पहले मैं आपको यहाँ का स्कूल दिखा देता हूँ। सो बेसिकली ये यहाँ का स्कूल है एंड दार्जिलिंग का। तो अभी क्रिसमस का बहुत चल रहा है सीज़न, तो यहाँ पे पूरा डेकोरेट कर रखा है उसी के अकॉर्डिंग। बट इस मार्केट में क्राउड कम है, लेकिन उससे पहले वाली जो मार्केट थी ना उसमें बहुत ज़्यादा क्राउड था, क्योंकि वो ना यहाँ का माल रोड भी था, तो इसीलिए और ज़्यादा क्राउड था वहाँ पे। तो बेसिकली घूमते हुए हमें ये रेस्टोरेंट मिल गया यहाँ पे, एंड पूछते भाई यहाँ पे कैसा चल रहा है सीन। क्या मेन्यू दिखाया था क्या, कैसा है? वेज सब है क्या? वेज थाली है क्या? वेज थाली भी है। वेज थाली है, दिखाना क्या क्या मेन्यू में। तो दूसरा रेस्टोरेंट चेक करने आया कि यहाँ कैसा मिलेगा भैया। वेज फूड मिलेगा, वेज फूड है, वेज ही है, वेज है ना। तो बेसिकली हमने ना दो रेस्टोरेंट देख लिए, दोनों पे ना खाना अच्छा नहीं था। प्रॉपर थाली है यहाँ पे 150 रुपीज़ की, एंड अगर आपको वेजिटेरियन वाला लेना है तो, और बाकी अलग से लोग है ना, तो थोड़ा मुझे लगता है कॉस्टली भी है, क्योंकि 150 रुपीज़ है यहाँ का। इसने खाना स्टार्ट भी कर दिया, एंड खाने में हमें मिला है ये है गोभी की सब्ज़ी, ये आलू, एंड ये राइस, ये पता नहीं दाल है लेकिन पानी वाली दाल, एंड ये भिंडी। हाँ सीरियसली ऐसे ही मिलता था, एंड हमारी रोटी हमें अलग से मंगानी पड़ी है। ये फर्स्ट टाइम ऐसी थाई देख रहा हूँ जिसके अंदर रोटी नहीं है। हाँ सीरियस, चाय में रोटी नहीं खाते हमें। डेफिनेटली सच में मैं काफ़ी टूरिस्ट प्लेसेस गया हूँ, बट थाई के अंदर रोटी कभी मैंने मिस नहीं की। हाँ यहाँ है, बट कोई ना खा लेते हैं इससे, एंड खा के जल्दी से जल्दी निकलते हैं। अभी हम लोग रॉक गार्डन का हमारा प्लान कैंसिल हो, क्योंकि यहाँ बंद है। अभी हम जा रहे हैं टी प्लांटेशन वाला, वहाँ पे जा सकते हैं। अभी वहाँ देखते हैं, अगर हो पाएगा तो डेफिनेटली वहीं जाते हैं हम पहले। तो जल्दी से ख़त्म करके निकलते हैं तुरंत। सो गाइस हम जा रहे थे अभी रॉक गार्डन एंड टी गार्डन ऑल्सो। अभी बीच में एक पॉइंट मिला है, एंड हमने अभी एक कैब रुकवाई है, और भाई ये व्यू देखो, लुक एट दिस, सीरियसली यार अमेजिंग व्यू है। एंड अभी हम ड्रोन शॉट लेने वाले हैं इससे, तो पहले आपको ड्रोन शॉट दिखाते हैं। भाई बहुत ही प्यारा व्यू है। सीरियसली आगे से तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी हम लोकेशन पे जाने वाले हैं, बट उससे पहले मैंने आपको भी ड्रोन शॉट दिखाए थे, वो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। होपफुली अब हम यहाँ पे ड्रोन उड़ा कर ट्राई करते हैं कि यहाँ उड़ पाएगा या नहीं। अगर उड़ेगा ना तो यहाँ का ड्रोन शॉट्स लेते हैं। ये यहाँ का व्यू है आगे का, एंड चलो बहुत अच्छा लग रहा है यार ये वाला व्यू। अभी लाइट से क्या होता है ऊपर, यहाँ क्राउड बहुत ही ज़्यादा है भाई, मतलब टिकट काउंटर पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है आपको। बट जब आओ ना यहाँ पे भाई, मैं बता रहा हूँ चेंज लेके आना, क्योंकि यहाँ 20 की टिकट है, एंड अगर आपका चेंज नहीं है ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है और ऐसे जाम लगा रहता है, तो मतलब चेंज लेके आना अपना। बाकी अभी तो पॉइंट अच्छा है, यहाँ पे तो स्टार्टिंग अच्छा लग रहा है, ऊपर जाते हैं लेट से क्या होता है। बेसिकली दिस इज द व्यू रॉक गार्डन, एंड ये सामने का व्यू दिखता है। लाइट से कि अगर ड्रोन उड़ पाया तो हम डेफिनेटली ड्रोन उड़ाएंगे यहाँ से। यहाँ से पूरा घूम घूम के ऊपर जाने का रास्ता है इसका, बट अच्छा लग रहा है। मतलब अगर 20 रुपीज़ दे के अगर आपको घूमने आना है ना, तो ये प्लेस अच्छा है आपके लिए। एंड यहाँ वाटरफॉल भी है, वो तो और इसकी खूबसूरती बढ़ा रहा है भाई। सो लुक एट दिस, एंड ये ना यहाँ पे स्टार्टिंग ही उड़ा, ये ना बहुत ऊपर से आ रहा है।
तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो मैं अभी जस्ट ना सबसे ऊपर आ गया हूँ एंड यहाँ से मैं सोचा कि ड्रोन शॉट्स लेता हूँ एंड लुक एट दिस, ये सबसे नीचे वहाँ से आया हम चढ़ते चढ़ते यहाँ तक। ये वाला भी बहुत प्यारा लग रहा है, लेट्स ट्राई क्या होता है ड्रोन शॉट्स अच्छे से आते हैं या नहीं, बस ट्राई कर सकते हैं देखते क्या होता है। आपने ड्रोन शॉट्स तो देख ही लिए होंगे, होपफुली आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे एंड वी आर आल्सो प्लानिंग टू गो टू द टी गार्डन आल्सो एंड इट्स नियर टू दिस प्लेस। सो बेसिकली हार्डिंग या टी गार्डन यहाँ से ना रॉक गार्डन से 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे मतलब पहले ही पड़ जाता है और ये ना रॉक गार्डन थोड़ा बाद में आता है तो होपफुली हम वहाँ पर जा पाए, लेकिन अभी ना 5:45 बज गए होंगे समथिंग और हमें वैसे भी आधा घंटा हो गया, 3:30 बजे समथिंग हम आए थे यहाँ पे, अगर हो पाया तो डेफिनेटली वहाँ जाएंगे। हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से निकलते हैं टी गार्डन ही जाते हैं, वहाँ का व्यू देखते हैं, बाकी यहाँ से हमने डन कर दिया। यहाँ का व्यू अच्छा है, यहाँ पे ना पूरा झरने की तरह बना हुआ है, वाटरफॉल है तो काफ़ी अच्छा लगेगा, ये कनेक्टिंग वाटरफॉल है। फाइनली वी आर लीविंग दिस प्लेस फॉर नाउ एंड नाउ वी आर गोइंग टू द टी गार्डन। सो मैंने बताया था 2.5 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस, बट सीरियसली दिस इज ऑसम प्लेस, मतलब आप एक बार ट्राई कर सकते हैं प्लेस घूमने का, ये वाटरफॉल्स का आप लोग का ना दिल लग जाएगा सीरियसली। हाँ मतलब ये ना ऐसा नहीं है कि पॉइंट पे हो, बहुत सारे एंड यहाँ पे इस टाइप के ना बहुत ब्रिज आपको मिलेंगे देखने को, मतलब एक वहाँ पे भी, एक यहाँ पे भी है एंड एक ऊपर भी है, तो यहाँ के व्यूज के पॉइंट भी बहुत अच्छे आते हैं। तो गाइस फाइनली अभी हम आ गए हैं टी गार्डन में एंड लुक एट पीछे का व्यू भाई, बहुत ही प्यारा है सीरियसली, लाइक अमेजिंग व्यू एंड लेकिन आपको मैं बता दूँ जब भी आप आओ ना तो भाई ये टी की पत्तियों को मत निकालना, अदरवाइज ना बैंड बज जाएगी, पेनल्टी वगैरह लगा देंगे और चार्ज वगैरह ठोक देंगे आपके ऊपर, वो अलाउ नहीं है, आप आ सकते हो घूम सकते हो पूरा। नहीं आई थॉट कि ना हम लोग यहाँ पे ड्रोन उड़ा सकते हैं बट मुझे नहीं लगता क्योंकि यहाँ पे इंक्लाइन नहीं है और ड्रोन को लैंड कराने फिर ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, स्लिप भी मार रहा है एरिया, तो मैं सोच रहा हूँ ड्रोन तो ना उड़ाऊँ, अगर ऊपर जा सकता हूँ ना तो डेफिनेटली मैं वहाँ से ड्रोन को फ्लाई कर सकता हूँ, बट अभी यहाँ नहीं लगता मेरे को मुझे करना चाहिए, अदरवाइज ड्रोन क्रैश हो जाएगा इधर ही। यहाँ अरे यहाँ मिल गया, यहाँ कर सकता हूँ मैं, एक पॉइंट मिल गया, अब यहाँ से कर सकते हैं। अभी हम लोग अपने रूम पे जा रहे हैं भाई एंड सीरियसली बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इतना ट्रैवल करने के ऊपर से आए सुबह ही सुबह और हम निकल गए भाई ट्रैवल करने के लिए, तो हमने दो चीज़ कवर कर ली, एक तो टी गार्डन कर लिया हमने एंड रॉक गार्डन भी कर लिया हमने कवर आज, तो दो चीज़ हो गई, बाकी का हम नेक्स्ट कल करेंगे। सो फाइनली अभी हम आ गए हैं दार्जिलिंग मार रोड पे एंड सबसे अच्छी चीज़ बात यह है कि मैंने ये मफलर ले लिया एंड इसकी प्राइस पड़ी है 200 रुपीज़, और एक और चीज़ कि मैंने टी ली है यहाँ की दार्जिलिंग की फेमस टी जो कि यहाँ सबसे ज़्यादा बिकती है भाई, मतलब यहाँ की टी ना मतलब इंडिया में लगता है देश में सबसे नंबर वन की होती है, तो मैंने ये परचेस कर लिया और इसका प्राइस है 289 रुपीज़ ओनली नहीं बहुत, और 50 ग्राम ओनली, तो कॉस्टली तो है बट जब भी आप आओ तो ट्राई कर सकते हो एंड यहाँ पे ना आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी, तो यहाँ पे अगर आपको कुछ परचेस करना है तो वो भी यहाँ पे आप आराम से परचेस कर सकते हो। तो लुक एट दिस, यहाँ पे इस टाइप की आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी मार रोड पे जहाँ से आप टी ले सकते हो।
तो अभी हम आ गए हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही है। हमने मॉर्निंग में खाना खाया था तो भाई इतना सही नहीं था, एंड दाल तो पता नहीं क्या पानी ज़्यादा मिला दिया था, दाल कम थी तो बहुत तेज भूख लगी है, एंड इसको भी बहुत तेज भूख लगी हुई है, और मोबाइल में बिजी क्योंकि फाइल ट्रांसफ़र कर रहा है मेरे को। खाने का वेट कर लेते हैं एंड जल्दी जल्दी खा के रूम पे निकलते हैं। तो फाइनली अपना फूड आ गया एंड यहाँ पे हमने लिया है थाली, जो कि हमें 250 रुपीज़ की पड़ी है थाली एक, एंड इसमें 4 सब्जियाँ हैं, एक रायता है, ये रायता खीर है पता नहीं मैंने देख नहीं पाया, राइस है, 2 चपातियाँ। तो यहाँ पे ऐसे ही फूड मिलेगा आपको देने के लिए, तो अभी खा लेता हूँ। सो गाइस फाइनली खाने से हो गया डन, अभी हम लोग जाने वाले रूम पे, बट हमने सोचा था कि इसको ना टोपा चाहिए था, गौरव को भी, तो ये टोपा देख रहा था, नहीं मिला ना टोपा कैसे है टोपा उसे टोपा ही बोलते हैं उसे, तो टोपा कहते हैं क्या कहते हैं, बट जो अच्छा नहीं है ना, बट अच्छा नहीं है यहाँ पे, एक्चुअली जो हमें चाहिए ना वो मिल ही नहीं यार। बेसिकली हमें चाहिए कलर, जो कलर चाहिए वो यहाँ मिल नहीं रहा, तो हमने सोचा चलो रूम पे ही चलते हैं। गिनवा ये कहा जाता है, गिनवा ठीक था यार, देख ले, हाँ तेरे को अच्छा लग रहा है तो ले ले, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो ले लेगा। एंड बाकी गाइस वीडियो की एंडिंग भी यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड आपको बता दूँ कि हम दूसरे ब्लॉग में टाइगर पॉइंट जाने वाले हैं दार्जिलिंग का, एंड आपको हिमालय रेल भी दिखाएंगे। तो फिर क्या है, इस वीडियो की एंडिंग यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।